हाय गाइस, आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ कुछ कैटल्स के बारे में जो मेरे पास गांव में मौजूद है। तो सबसे पहले आता है गोट। गोट कैटल्स की दुनिया में बहुत ही छोटा जानवर माना जाता है। ये लगभग 2 से 3 बच्चों को देता है और फीमेल का वजन लगभग 20 से 25 किलो और मेल का 35 से 40 किलो तक होता है। और इसके बच्चे बहुत ही प्यारे रहते हैं और ये बहुत ही छोटा रहता है, इसीलिए हर गाँव में ज़्यादा से ज़्यादा गाँव में ये गोट बहुत ही आराम से आपको दिख जाएगी। ये क्योंकि इसका दूध बहुत ही ठीक रहता है, उससे हम लोग को कैल्शियम मिलता है, हमारी हड्डियाँ मजबूत होती है, इसीलिए इसको पाला जाता है। लेकिन कुछ कुछ गांव में जो मेल गोट रहते हैं उसको काट के खाया भी जाता है। और इसके बच्चे बहुत ही प्यारे रहते हैं, इसीलिए आप इसको रख सकते हैं आराम से घर में। और दूसरे नंबर में आता है गाय। गाय इंडिया के हर गाँव में रहेगी क्योंकि हिंदू धर्म में ये पवित्र मानी जाती है और ये लगभग एक ही बच्चा दे देती है। और बच्चे का भी वजन कुछ कम नहीं रहता, लगभग 30 किलो तक हो जाता है और फीमेल का वजन लगभग 400 से 500 और मेल का 750 से 800 किलो तक हो जाता है। और ये गाय बहुत ही आराम से आपको मिल जाएगा कहीं पर भी गांव में, यहाँ तक कि मेरे पास भी है। और ये आराम से रह लेगा, इसको आप जंगलों में नहीं छोड़ सकते बकरी की जैसे कि चर सके, क्योंकि ये बहुत बड़ा जानवर रहता है, इसीलिए ये जंगल के ढलानों से गिर के मर सकता है। इसके लिए आपको घास जंगलों से काट के लानी पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है इसको पालने के लिए। और तीसरे नंबर में आता है बफेलो यानी भैंस। ये कैटल्स की दुनिया में सबसे बड़े जानवर माने जाते हैं। लगभग फीमेल का वजन 600 से 700 किलो और मेल का वजन लगभग 1 टन से भी ज़्यादा हो जाता है। इसके बच्चे का वजन भी कुछ कम नहीं रहता, लगभग 40 से 50 किलो तक हो ही जाता है। और ये बहुत ही बड़ा जानवर होता है, इसीलिए आप इसको जंगलों में चरा नहीं सकते क्योंकि ये ढलान से गिर सकता है जंगलों की। और ये सिर्फ एक ही बच्चा देता है, इसका प्रेगनेंसी लगभग 1 साल का रहता है और सिर्फ एक ही बच्चा निकलता है। और जब बच्चा रहता है तो ये कुछ ज़्यादा ही आक्रामक हो जाती है। जब बच्चा नहीं रहता फिर भी जो अजनबी रहते हैं उस पर ये अटैक कर लेती है, जब बच्चा रहता है तो उस पर कुछ ज़्यादा ही आक्रामक हो जाती है। इसीलिए भैंस को पालना थोड़ा मुश्किल रहता है क्योंकि वो समझो कि कोई गांव से गांव गया रहेगा और वो उसके लिए अजनबी रहेगा तो वो उस पर अटैक कर सकता है, और ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर अजनबी यहाँ नहीं रहेंगे तो फिर वो एकदम अच्छी तरीके से पल पड़ के बड़ा रहेगा। और चौथे नंबर में आता है हॉर्स। हॉर्स मेरे पास मौजूद है क्योंकि मेरा गांव हिली रीजन में है, इसीलिए मेरे को इधर से उधर जाने के लिए हॉर्स का यूज़ करना पड़ता है। और बहुत ही मज़ा आता है इसकी सवारी में, लेकिन इसका कुछ कुछ केयर एकदम गाय भैंस की जैसा ही रहता है। आप इसको लेकिन चराने के लिए छोड़ सकते हो जंगल में, ये बहुत ही फुर्तीले और एक्रोबैटिक रहते हैं और इसको ये आप घास भी घर में ला सकते हो। और ये लगभग एक ही बच्चा देता है और इसको पालने में कोई झिझकझाहट नहीं है। और गाइस, मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि मेरे को कौन सा जानवर लेना चाहिए था, 1 डॉग या फिर टॉर्टोइस। आपने बहुत ही वक्त लगाया और दिया भी नहीं है, तो फिर प्लीज़ दे दीजिएगा। और ये वीडियो आपको पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। बाय।